गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द नेक्स्ट लेवल ए टू जेड पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि हमने करंट अफेयर्स की बाई वीकली वीडियोज़ और चला रखी है, जो कि डिटेल में होती है 2019 के। यहाँ पे हम सारे करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NTPC हो या फिर रेलवे NTPC हो या फिर SSC CGL हो, झारखंड CGL हो, बिहार दरोगा हो, या अन्य जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें करंट अफेयर्स आते हैं, तो उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है ये वीडियो। और साथ ही हम संडे के 100 MCQs वाले वीडियो भी ला रहे हैं, 100 वन लाइनर वाले वीडियोस भी ला रहे हैं, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना चाह रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो अगर आपने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। स्पेशली जो संडे का 100 वन लाइनर्स होता है, वो कंटेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होता है, उसमें हम आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज एक ही कम समय में देने का कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारी बाई वीकली वीडियोज़ हो रही है, उसमें हम डिटेल्स में आपको करंट अफेयर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज की वीडियो दोस्तों। आज की जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग स्थित है। दोस्तों देखिए, ये रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो रेलवे के एग्ज़ाम में आने की इसकी जो है संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए ये जो है NTPC वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे अपने माइंड में ज़रूर रखें। और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो पीयूष गोयल है हमारे रेलवे मिनिस्टर। हमारी जो सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, वो है डिंडीगुल ताला के लिए GI टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य को अनुमति दी गई है। तो दोस्तों डिंडीगुल एक ताला है, लॉक है, तो इसे GI टैग मिला है। और सिर्फ डिंडीगुल ताला को नहीं दोस्तों, कादंगी साड़ी जो है इसे भी GI टैग मिला है। दोनों को साथ में ही मिला है और दोनों एक ही जगह का है। तो दोनों जो है किस राज्य से है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु से है डिंडीगुल ताला और कादंगी साड़ी। डिंडीगुल ताला जो है दोस्तों, ये अपने मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और डिंडीगुल जो शहर है, इसे यहाँ के तालों के चलते लॉक सिटी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारी थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, वो है रूस के कजान में विश्व कौशल 2019 प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्ल्ड स्किल डे जो है, कौशल दिवस 2019 रूस में मनाया गया, जिसमें 68 देशों ने भाग लिया। और ये जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा विश्व कौशल दिवस था। और हमारे जो स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर जो हैं, वो है महेंद्र नाथ पांडे। इन्होंने इंडिया को लीड किया। और जो पहला स्वर्ण पदक मिला दोस्तों, इसमें जो विश्व कौशल दिवस प्रतियोगिता थी, इसमें हम भारत ने जब पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो भारत की तरफ से इसे जीता है किसने, अश्वथा नारायण सनाग वरापू ने। डी इसका सही आंसर है दोस्तों, अश्वथा नारायण सनाग वरापू। तो दोस्तों और इन्हें मिला किस चीज़ में है गोल्ड मेडल, ये भी जानना जरूरी है। वाटर टेक्नोलॉजी स्किल में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। यहाँ पे अलग अलग तरह के बहुत सारे स्किल्स की कंपटीशन हुई थी दोस्तों, मेकअप हो या कुकिंग हो या जितने भी स्किल्स हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे स्किल्स की कॉम्पिटिशन हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विश्व चैंपियनशिप में फाइनल में प्रवेश करने वाली, भाला फेंकने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी अन्नू रानी। तो अन्नू रानी जो है दोस्तों, ये महिलाओं में अनु रानी जो है महिलाओं के विश्व चैंपियनशिप भाला फेंक चैंपियनशिप में पहली महिला बनी है जिन्होंने फाइनल में जगह बना ली है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अनु रानी जो है किस खेल से संबंध रखती है। एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है, तो इससे ये क्वेश्चन भी बनता है कि अनु रानी किस खेल से संबंध रखती है। तो आप लिख सकते हैं भाला फेंक प्रतियोगिता, भाला फेंक खेल से संबंधित रखती है ना। नेक्स्ट है, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप 2019 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, ISSF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, यानी कि निशानेबाजी से संबंध रखने वाला ये फेडरेशन है। तो इसका जो वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और ISSF की हेडक्वार्टर भी आप याद रखें, जो कि ब्रूसेल्स में है।
तो इसका जो वर्ल्ड कप हुआ था रियो डी जेनेरियो में, तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता वो इंडियन थी, तो वो कौन थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों यशस्वनी देसवाल। आगे बढ़ते हैं, आज की जो 6th क्वेश्चन थी दोस्तों वो थी, किस केंद्र शासित प्रदेश में 31 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी पुडुचेरी। पुडुचेरी में जो है सबसे पहले ये पुडुचेरी जो है सबसे पहला केंद्र प्रशासित देश बना है जहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों। तो पुडुचेरी के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो पुडुचेरी के जो CM है वो है वी नारायण सामी, और गवर्नर है दोस्तों किरण बेदी। नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों, 7वां विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 7वां विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2019 आयोजित किया गया था, और इसका इनोग्रेशन जो किया था वो किया था यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने। आगे बढ़ते हैं, आज की जो 8th क्वेश्चन है दोस्तों वो है, टाइफून डैश ने ताइवान को 162 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम हवाओं के साथ बहा दिया जिससे कई लोग घायल हो गए, हजारों घरों में बिजली काट दी गई और फसल के खेत जो है नष्ट हो गए। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऐसा कौन सा टाइफून आया था ताइवान में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी मिताग। मिताग जो है, मिताग टाइफून जो है वो ताइवान में आया था और उसने इतनी सारी तबाही मचा दी। तो हम लोग ताइवान के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। ताइवान की जो कैपिटल है दोस्तों वो है ताइपेई, और यहाँ की करेंसी है डॉलर, और जो टाइफून आया था वो है मिताग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह टाइम मैगजीन के विश्व की सबसे महानतम स्थान 2019 में सूचीबद्ध है? तो दोस्तों टाइम मैगजीन जो है बाई एनुअली यानी कि साल में 2 बार 100 विश्व के सबसे महानतम स्थानों की सूची निकालती है। 100 ऐसे स्थानों की सूची निकालती है जो विश्व में महान होती है, घूमने के लायक होती है। तो इस बार जो सूची निकली है उसमें किन्हें जगह मिला है? तो ऑप्शन है दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, सोहो हाउस मुंबई, और सी में है ए एंड बी दोनों, और डी में है जयपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात को भी और सोहो हाउस मुंबई को भी, दोनों को ही जगह मिली है टाइम मैगजीन में जो कि बाई एनुअली आती है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी विकसित की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, गजनवी मिसाइल जिसने डेवलप की है वो है पाकिस्तान, यानी कि डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, ISSF विश्व कप 4 2019 में 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, तो मैं बता दूँ ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। कुछ देर पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ा था वो था ISSF वर्ल्ड कप ही था, लेकिन उसमें हमने 10 मीटर एयर पिस्टल पढ़ा था, और ये जो है एयर राइफल श्रेणी है वो पिस्टल वाली श्रेणी थी जिसमें यशस्वनी देसवाल जो थी वो विनर थी, और यहाँ पर जो है ये एयर राइफल श्रेणी है। तो ISSF के बारे में फिर से बता दूँ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, और ये गेम इस बार हुआ कहाँ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और इसका सही आंसर है दोस्तों कि ISSF 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में जिन्होंने पदक जीता वो है इला वेनिल वाला रिवन, यानी कि ए जो है इसका सही आंसर है इला वेनिल वाला रिवन जो है, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस की सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है गांधीनगर गुजरात में पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी एयरलाइन 2 अक्टूबर 2019 में से अपनी उड़ान में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? तो सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों, इसे हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहते हैं, यानी कि ऐसा प्लास्टिक जो हम लोग एक बार यूज़ करते हैं उसके बाद रियूजेबल या रिसाइकलेबल नहीं होता, उसे हमको फेंकना पड़ता है। तो ऐसे प्लास्टिक पे रोक लगा दिया है 2 अक्टूबर 2019 से एक एयरलाइन ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एयर इंडिया। एयर इंडिया ने 2 अक्टूबर से इस पर बैन लगा दिया है। और एयर इंडिया के चेयरमैन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एयर इंडिया जो है इसके चेयरमैन है अश्वनी लोहानी, और 2 अक्टूबर 2019 जो थी 150वीं जयंती थी किन की? हमारे महात्मा गांधी की। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय खेल दिवस 2019 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को होता है, अगर कोई नहीं जानते तो मैं बता दूं। और मेजर ध्यानचंद, जो कि फुटबॉल के बहुत महान खिलाड़ी थे, उनके बर्थडे में मनाया जाता है। और जो आंदोलन मोदी जी ने शुरू किया है उसका सही वो है दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट, यानी कि डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व 2019 चैंपियनशिप में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों, वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी जो कि बेजल में हुई थी। बेजल कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। तो पैरा बैडमिंटन विश्व कप 2019 जो बेजल में हुई थी, इसमें इंडिया ने कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी 12। इंडिया ने 12 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग यूनिट के फ्लाइट कमांडर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शालिजा धामी। शालिजा धामी जो है ये पहली महिला अधिकारी बनी है जिन्होंने फ्लाइट कमांडर के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है। और इनका हेलीकॉप्टर कौन सा है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। इनके हेलीकॉप्टर का नाम है चेतक हेलीकॉप्टर, जिनकी ये फ्लाइट कमांडर बनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, 28 अगस्त 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा डैश पोर्टल लॉन्च किया है। यानी कि 28 अगस्त 2019 को हमारे जो HRD मिनिस्टर है, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया जो कि स्कूली शिक्षा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी सगुन। सगुन नाम की स्कूली शिक्षा से संबंधित एक पोर्टल लॉन्च की है। इस पोर्टल का काम क्या होगा दोस्तों? तो ये पोर्टल जो है निगरानी रखेगी, निगरानी करने का काम करेगी। पहले बात तो इस पोर्टल के अंदर सारे नवोदय विद्यालय हो या CBSE के स्कूल्स हो या फिर स्टेट्स के जितने भी स्कूल्स हो सब आएंगे। और इस पोर्टल से किया क्या जाएगा, स्कूलों पर निगरानी रखने में आसानी होगी और शिकायतों का जो भी समाधान करना है उसमें भी आसानी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, नवीनतम बाल कल्याण सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो दोस्तों, देश में जो बाल कल्याण सूचकांक हुई थी उसमें जो है पहला स्थान मिला है केरल को, यानी कि बी जो है इसका सही आंसर है। और साथ ही साथ दोस्तों जान लेते हैं कि बॉटम में कौन है, यानी कि आखिरी पे कौन है। तो MP और झारखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड जो है बाल कल्याण सूचकांक में सबसे पीछे रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने लेमरू हाथी रिजर्व स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो लेमरू हाथी रिजर्व जो है दोस्तों ये बनने वाला है, स्थापित होने वाला है दोस्तों बी छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। और साथ ही साथ दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ आ गई है तो इसके बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगर वैली नेशनल पार्क है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ से फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कितना आरक्षण दिया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी 10%। और छत्तीसगढ़ के जो भी CM है दोस्तों वो है भूपेश बघेल। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने डैश का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम करने का फैसला किया। तो दोस्तों, दिल्ली क्रिकेट संघ और जिला क्रिकेट संघ जो है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट संघ जो क्रिकेट एसोसिएशन जो है, इन्होंने किसी स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर रखने का फैसला किया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा जाएगा। और दोस्तों, इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। नेक्स्ट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में 2018 के लिए तेंजिंग नॉर्गे साहसिक राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सबसे पहले मैं आंसर बता दूं डी, इसका सही आंसर है वांगचुक शेरपा। वांगचुक शेरपा जो है इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में 2018 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला है। इन्हें मिला क्यों दोस्तों और ये है कौन, ये जान लेते हैं। ये जो है सिविल सर्वेंट है, सरकारी नौकर है और ये जो है पहली सिविल सर्वेंट है। ये एक महिला है, सबसे पहले बता दूँ, ये फर्स्ट सिविल सर्वेंट है और ITBP ऑफिसर है जिन्होंने सारे सातों समिट को कंप्लीट कर लिया है और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई इन्होंने 3 बार की है, इसीलिए इन्हें जो है ये अवार्ड मिला है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों,
किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनर्जागरण के राजा हमद आदेश से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, बहरीन। बहरीन ने पुनर्जागरण के राजा हमद आदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। तो बहरीन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। बहरीन की जो कैपिटल है दोस्तों वो है मनामा, और यहाँ की कैपिटल है दिनार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जीनोलॉजिकल जो है दोस्तों, आई थिंक थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने के द्वारा जीनस मेसोवेलिया के अर्धजलीय कीड़ों की कितनी प्रजातियाँ, नई प्रजातियाँ खोजी है दोस्तों, ये है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 7, सी जो है इसका सही आंसर है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा जीनस मेसोवेलिया के अर्धजलीय कीड़ों की 7 नई प्रजातियाँ खोजी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, सामुदायिक रेडियो सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो सामुदायिक रेडियो सम्मेलन 2019 जो आयोजित किया गया दोस्तों, वो किया गया नई दिल्ली में, यानी कि ए जो है इसका सही आंसर है। नई दिल्ली में सामुदायिक रेडियो सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया। और साथ ही साथ बता दूं, हमारे जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है वो है प्रकाश जावड़ेकर। आगे बढ़ते हैं, आज के जो 26th क्वेश्चन है दोस्तों वो है, अगस्त 2019 में किस सेवा क्षेत्र के उद्योग ने एक सैन्य दिग्गज रोजगार कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों एक सर्विस सेक्टर है, यानी कि सेवा क्षेत्र है, जिन्होंने सैन्य दिग्गज रोजगार कार्यक्रम शुरू किया है। तो सबसे पहले मैं इसका सही आंसर बता दूं, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। इसका सही आंसर है अमेज़न इंडिया। अमेज़न इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें जो है वो जो भी दिग्गज सैनिक होंगे या उनके स्पाउस होंगे, यानी कि उनके या तो पति या पत्नी होंगे, उनके लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट की योजना शुरू की गई है तो इसका सही आंसर दोस्तों अमेज़न इंडिया ने ऐसा स्कीम शुरू किया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आज की जो 27th क्वेश्चन है वो है, अमेरिका ने इस्पात के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 25%। 25% आयात शुल्क लगाने वाला है अमेरिका इस्पात पर। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारी 28th क्वेश्चन है दोस्तों वो है, किस भारतीय राज्य ने स्कूल में प्रवेश के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है? तो स्कूल में एडमिशन के लिए अब टीकाकरण जो है अनिवार्य हो गया है किस राज्य में दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, केरल। केरल में एडमिशन से पहले टीकाकरण अनिवार्य हो गया है। तो केरल के गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ के जो CM है दोस्तों वो है पी विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है दोस्तों, पैलेस क्वीन हमसफ़र एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो भारतीय शहरों के बीच चलाई जाएगी? तो दोस्तों पैलेस क्वीन हमसफ़र एक्सप्रेस नाम की एक रेलगाड़ी है जिसकी शुरुआत की गई है, और ये चलेगी कहाँ से कहाँ? तो मैसूर और उदयपुर के बीच चलेगी दोस्तों। और ये जो ट्रेन है ये सारे नए मतलब अच्छी सुविधाओं से लैस होगी, जैसे कि CCTV कैमरा, चार्जिंग कोड वगैरह होंगे, LED लाइट्स होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है फिर से रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो NTPC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पैलेस क्वीन हमसफ़र रेलगाड़ी जो है किन दो शहरों के बीच में चली है? तो इसका सही आंसर है मैसूर और उदयपुर। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी होगी? तो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है दोस्तों वो है पूर्वी कालीमंतन बोर्नियो। ये जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। और पुरानी को भी याद कर लेते हैं, पुरानी जो थी वो थी जकार्ता, और करेंसी थी, करेंसी एक्चुअली है जो कि है रुपया। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो जो है कंप्लीट हो चुकी है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर हमारी वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें पसंद आती है तो, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करें। और भी कुछ आपको क्वेरीज़ हैं तो कमेंट्स करें प्लीज़, और हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।